स्थली बायोम के बाद हम सागरी बायोम का अध्ययन करते हैं। भूतल के 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है। स्वाभाविक रूप से वहां पर भी अपना एक जीवन होगा, महासागरों में भी एक खाद्य श्रृंखला होगी। महासागरों की जो औसत गहराई होती है वो लगभग 4000 मीटर है, यानी सतह से लेकर 4000 मीटर इनकी औसत गहराई है और भूतल के 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है। महासागरीय बायोम के अध्ययन के लिए हमको इसे चार भागों में बांटना होगा। खुला समुद्र बायोम का अध्ययन करेंगे हम, प्रवाल भित्तियों का अध्ययन करेंगे, बैरियर द्वीप और तटरेखा बायोम, इसे हम चार भागों में रखकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले खुला सागर। सागरीय जल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उनमें एक तापमान होता है, एक लवणता होती है, घुलित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। सागर में एक निश्चित गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, उसके नीचे नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब सागरीय जल की कुछ विशेषताएं हैं जो महासागरों के जीवन को गहरा प्रभावित करती हैं। महासागरों में जो जीवन होता है सर्वत्र एक समान नहीं होता है, बल्कि महासागरों का जो जीवन होता है वो तापमान, प्रकाश की उपलब्धता, लवणता की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की घुलित मात्रा, इन सब बातों पर ये निर्भर करता है। तो महासागरों का भी अपना जीवन होता है और जीवन है तो वहाँ भी एक खाद्य श्रृंखला होती है। अगर हम महासागरीय बायोम को लें, पारिस्थितिकी तंत्र को लें, तो महासागरीय बायोम या पारिस्थितिकी तंत्र में भी अपना जीवन होता है और खाद्य श्रृंखला होती है। ये किन बातों से प्रभावित होती है? सूर्य के प्रकाश, तापमान, लवणता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर यहाँ का जो जीवन है वो निर्भर करता है। सबसे पहले हम सूर्य प्रकाश का अध्ययन देखते हैं। सूर्य प्रकाश किस तरह से यहाँ के जीवन को प्रभावित करता है? सागरीय जीवन को प्रभावित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सूर्य के प्रकाश का होता है। महासागरीय भाग में गहराई का वह भाग काफी महत्वपूर्ण होता है सागरीय जीवों के लिए, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। ध्यान से सुनिए, महासागरीय भागों में गहराई का वह भाग सागरीय जीवों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पूरे सागर में तली तक नहीं पहुंचता है, बल्कि केवल 200 मीटर की गहराई तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। 200 मीटर की गहराई के नीचे अंधेरा वाला भाग होता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सतह से लेकर 200 मीटर की गहराई तक ही संपन्न होती है। 200 मीटर के नीचे जाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं संपन्न होगी। इसका मतलब है कि जो वनस्पतियां होंगी, महासागरों की जो वनस्पतियां होंगी, वो 200 मीटर की गहराई तक ही पनपेंगी। 200 मीटर की गहराई के नीचे वनस्पतियां पनप नहीं पाती हैं, क्योंकि सूर्य प्रकाश उसके नीचे नहीं होता है। तो 200 मीटर के बाद सूर्य का प्रकाश जो है बिल्कुल समाप्त तो हो जाता है, इसलिए इस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाशित मंडल। सतह से लेकर 200 मीटर गहरा का जो भाग है उसे हम प्रकाशित मंडल कहते हैं। इसी प्रकाशित मंडल में प्लैंकटन पनपते हैं। जो प्लैंकटन होते हैं वो सागरी बायोम के सबसे सूक्ष्म जीव और पादपों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। सागर के सबसे सूक्ष्म जीवों और पादपों के समूह को हम प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन केवल 200 मीटर की गहराई तक ही इनका विकास होता है, यानी केवल प्रकाशित मंडल में ही प्लैंकटन पाए जाते हैं। प्लैंकटन के अंतर्गत दो तरह के जीवों को रखते हैं, एक तो वनस्पतियां भी हैं और दूसरे जंतु भी हैं, यानी वनस्पतियां भी हैं और प्राणी भी हैं। जो वनस्पतियां हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं और जो जंतु होता है उन्हें हम जूप्लैंकटन कहते हैं। तो प्लैंकटन को दो भागों में बांटते हैं, फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन वनस्पतियां होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंकटन को स्वपोषित कहते हैं या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। महासागरीय बायोम में ये प्राथमिक उत्पादक हैं, इनको हम पोषण स्तर एक पर रख सकते हैं, क्योंकि जो भी प्राथमिक उत्पादक होता है वो खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर एक पर होता है, यानी सबसे निचले पोषण स्तर पर कौन है? फाइटोप्लैंकटन। महासागरी खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पोषण स्तर पर कौन है? फाइटोप्लैंकटन। क्यों? क्योंकि वो स्वपोषित है, प्राथमिक उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। और प्लैंकटन के अंतर्गत दूसरा वर्ग है जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन को हम हिंदी में जंतु प्लैंकटन कहते हैं, ये जंतु प्लैंकटन है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बल्कि अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करता है? फाइटोप्लैंकटन पर निर्भर करता है। ये फाइटोप्लैंकटन नामक वनस्पतियों को खा जाता है और जीवित रहता है। तो महासागरी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जूप्लैंकटन। ये प्राथमिक उत्पादक और ये प्राथमिक उपभोक्ता, फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश को कार्बनिक पदार्थों में बदलकर अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए प्राथमिक उत्पादक हैं अर्थात स्वपोषित हैं। महासागरी वायु में जितने भी प्राणी हैं, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र अथवा महासागरीय वायु में जितने भी जीव जंतु हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर करते हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खा लिया, जू प्लैंक्टन को छोटी मछलियां खा ली, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा ली, तो ये सभी अंतिम रूप में अपना आहार कहां से प्राप्त कर रही हैं? फाइटोप्लैंक्टन से प्राप्त कर रही हैं, है ना। तो जितने भी जंतु हैं सभी अपने आहार के लिए इसी पर निर्भर करते हैं। 200 मीटर की गहरी भाग, 200 मीटर से नीचे जो हम जाते हैं तो उस गहराई वाले भाग को हम अप्रकाशित मंडल कहते हैं। प्रकाशित मंडल को फोटिक जोन, अप्रकाशित मंडल को अफोटिक जोन कहते हैं। महासागरीय जल में 200 मीटर की गहराई के नीचे जब हम जाते हैं तो अप्रकाशित मंडल है। हमने पहले ही बताया कि अप्रकाशित मंडल में प्रकाश नहीं है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहां पर नहीं होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अप्रकाशित मंडल में वनस्पतियां पाई जाएंगी नहीं, यहां पर केवल प्राणी पाए जाते हैं, केवल जंतु पाए जाते हैं। तो अप्रकाशित मंडल में जो जीव रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेक्टन। प्रकाशित मंडल में तैरने वाले जीवों और वनस्पतियों के समूह को प्लैंकटन कहते हैं, जबकि अप्रकाशित मंडल में विभिन्न गहराइयों पर तैरने वाले जंतुओं को अप्रकाशित मंडल में विभिन्न गहराइयों पर, भाई उसकी गहराई काफी, उसकी गहराई का प्रास ज्यादा है, 200 मीटर की गहराई से लेकर पूरा तली तक नीचे तक, तो अप्रकाशित मंडल में विभिन्न गहराइयों पर तैरने वाले प्राणियों या जीवों के, जलीय जीवों के समूह को नेक्टन कहते हैं। नेक्टन के अंतर्गत वनस्पतियां शामिल नहीं है, क्योंकि अप्रकाशित मंडल में वनस्पतियां पनप नहीं पाएंगी क्योंकि वहां सूर्य प्रकाश नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रकाशित मंडल में दो तरह की क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो प्रकाशित क्षेत्र है, प्रकाशित क्षेत्र मतलब 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र, 200 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है और श्वसन क्रिया, ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, क्योंकि यहां पर वनस्पतियां भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं और जो प्लैंकटन है जो श्वसन करते हैं, जबकि अप्रकाशित मंडल में, अप्रकाशित मंडल में केवल श्वसन क्रिया चलती है। यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अप्रकाशित मंडल में संपन्न नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहां पर वनस्पतियां नहीं है। क्लियर। अब जलीय जीवन को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक देखते हैं, तापमान। जो जलीय जीव होते हैं वो तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तापमान के घटने और बढ़ने का इन पर काफी प्रभाव पड़ता है। जलीय जीवों पर तापमान, समुद्री जल का एक औसत तापमान होता है, अगर समुद्री जल का औसत तापमान में थोड़ा भी फेरबदल होता है तो उसका समुद्री जीवों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो समुद्री जीव होते हैं वो तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अगर महासागर के औसत तापमान में अगर थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाए तो सागरी वायु में विनाश हो सकता है, पूरा उथल पुथल मच सकता है। सभी जो जलीय जीव होते हैं वो कुछ ही क्षणों में खत्म हो सकते हैं अगर महासागरी जल के औसत तापमान में थोड़ी भी परिवर्तन हुआ तो। एक सवाल आजकल हमेशा पूछा जाता है कि जो प्रवाल भित्तियां हैं, सवाल ऐसे पूछा जाएगा, पहले कुछ परिचय दिया जाता है आजकल, है ना, ऐसे पूछा जाएगा कि प्रवाल भित्तियां महासागरों में जैव विविधता का भंडार होती हैं। हाल के वर्षों में प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए, समुद्री जल में तेल रिसाव, जो जहाज जाते हैं ना कभी कभी उनसे तेल रिसाव हो जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपसे देगा जलवायु परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन आपको देगा महासागरों में प्लास्टिक समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक कचरों को फेंका जाना। चौथा होगा भूमंडलीय ऊष्मन। क्लियर, यानी ग्लोबल वार्मिंग। प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है। समुद्री जल का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो समुद्री जल का भी औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके चलते क्या है? प्रवाल भित्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रवाल भित्तियों पर औसत तापमान बढ़ने से खतरा कैसे मंडरा रहा है, ये हम प्रवाल भित्ति बायोम जब पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। तो हाल के वर्षों में जो प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है उसका कारण भूमंडलीय ऊष्मन ही, यानी सागरी जल का औसत तापमान का बढ़ना ही रहा है। क्लियर। खुले समुद्र के जीवों को हम तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है प्लैंकटन, दूसरा नेक्टन और तीसरा बेंथस। खुले समुद्र के जीवों को
सबसे पहले प्लैंकटन का अध्ययन करते हैं। 200 मीटर की गहराई सप्तसागरी महासागरी भागों में सतह से लेकर 200 मीटर तक की गहराई में तैरने वाले सूक्ष्म जीवों और पादपों यानी वनस्पतियों के समूह को प्लैंकटन कहते हैं। यानी ये प्रकाशित मंडल में जीवित रहते हैं, प्रकाशित मंडल में सतह से लेकर 200 मीटर की गहराई तक के भाग में। इसके अंतर्गत वनस्पतियां भी शामिल हैं जिन्हें फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, और इसके अंतर्गत आगे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत जंतु भी शामिल हैं। इन जंतुओं को हम जूप्लैंकटन कहते हैं। यानी प्रकाशित मंडल में रहने वाले जंतुओं को जूप्लैंकटन और वनस्पतियों को हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। फाइटोप्लैंकटन स्वपोषित होते हैं, यानी अपना आहार ये स्वयं निर्मित करते हैं, क्योंकि पौधे हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जिन भी पौधों में क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। सागरी बायोम जो सागरी पारिस्थितिक तंत्र है या सागरी खाद्य श्रृंखला है उसमें ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यानी सागरी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लैंकटन द्वारा होता है। तो समुद्री खाद्य श्रृंखला में इन्हें हम सबसे निचले पोषण स्तर पर रखते हैं, यानी पोषण स्तर एक पर इन्हें रखा जाता है। सभी समुद्री जीव भोजन के लिए, जितने भी समुद्री जीव होते हैं वो सभी भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फाइटोप्लैंकटन पर ही निर्भर करते हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर महासागरीय बायोम का विस्तार है, और ये सभी प्रकाश संश्लेषण की जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है ना कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जैविक कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, है ना। इस क्रिया में ये ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन वो सारा का सारा कहां चलाता है? वायुमंडल में चलाता है। तो 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण इन फाइटोप्लैंकटन द्वारा किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी तल के 71% भाग पर महासागर है और महासागर के सतह पर क्या है? फाइटोप्लैंकटन है। तो पृथ्वी के अधिकतर ऑक्सीजन का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इन फाइटोप्लैंकटन का भक्षण जूप्लैंकटन द्वारा किया जाता है। जूप्लैंकटन भी कहाँ रहते हैं? वही 200 मीटर की गहराई वाले भाग में ही रहते हैं। ये जंतु होते हैं, तो इनका भक्षण जो है जूप्लैंकटन द्वारा कर लिया जाता है। फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? इसके अंतर्गत शैवाल, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, फ्लैगलेट्स और समुद्री घास, ये चार बातें शामिल है फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत। शैवाल, डायटम, साइनोबैक्टीरिया और फ्लैगलेट्स, ये चारों चीजें फाइटोप्लैंकटन, ये सभी क्या हैं? किसी न किसी तरह के पादप हैं। साथ में समुद्री घास को भी शामिल किया जाएगा। फाइटोप्लैंकटन की जनन क्षमता, इसकी खास बात क्या होती है? समुद्र की सतह पर जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं उनकी जनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, प्रजनन काफी तीव्र होता है, विस्फोटक दर से पाया जाता है। ये प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, इनमें प्रजनन बहुत तेज होता है, यानी ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं उतनी ही तेजी से इनका भक्षण हो जाता है। कौन भक्षण करता है? जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन प्रजनन द्वारा जितनी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, हमने बताया ना इनमें जो प्रजनन होता है वो विस्फोटक दर से होता है, तो अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ेगी उतनी तेजी से जूप्लैंकटन इनका भक्षण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल और डायटम, ये शैवाल और डायटम अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, लेकिन उतनी तेजी से इनका भक्षण भी होता रहता है, जिससे क्या होता है सागरी पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। अगर भक्षण नहीं हो पाता तो संतुलन बिगड़ जाता है सागरी पारिस्थितिक तंत्र का। तो जरूरी है कि इनका संख्या भी बढ़े और भक्षण भी होता रहे, क्योंकि इनका भक्षण कौन करता है? जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन की संख्या बढ़ गई क्योंकि उनको भोजन मिल रहा है। जूप्लैंकटन की संख्या बढ़ गई तो छोटी मछलियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटी मछलियां किन्हें खा रही हैं? जूप्लैंकटन को खा रही हैं। छोटी मछलियों की संख्या बढ़ गई तो बड़े जलीय जीवों की भी संख्या बढ़ जाएगी, वेल, सील, शार्क, डॉल्फिन। क्यों? क्योंकि वो क्या है, छोटी मछलियों का भक्षण करते हैं। तो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा ऊपरी स्तर तक, पोषण स्तर 1, 2, 3, 4 ऊर्जा का प्रवाह होता रहे, इसलिए शैवाल और डायटम की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि इनकी संख्या बढ़ेगी तो जूप्लैंकटन की संख्या बढ़ेगी, उनकी बढ़ेगी तो
छोटी मछलियों की बढ़ेगी, फिर बड़ी मछलियों की बढ़ेगी। इस तरह से सागरीय पारिस्थितिक तंत्र में जैविक विविधता और जैव भार बना रहता है। तो इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि सागरी जल को ये अपने आवरण से ढक लेते हैं, काफी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती है, लेकिन देखते ही देखते इनका भक्षण भी हो जाता है। हाँ, प्रकाशित मंडल में जो शैवाल होते हैं यानी प्लैंकटन के अंतर्गत प्रकाशित मंडल में रहने वाले पादपों को क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। तो फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत कुछ शैवाल शामिल है, हमने बताया ना शैवाल भी है, डायटम भी है। तो यहाँ शैवालों की कुछ दो प्रजातियां काफी महत्वपूर्ण होती हैं, ये लाल रंग की होती हैं, गोयालॉक्स और जिमोनोडीम। ये फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत शैवालों की दो प्रजाति है ना, गोयालॉक्स और जिमोनोडियम प्रजाति के शैवाल पादप हैं, ये लाल रंग के होते हैं। ये प्रजनन द्वारा अपनी संख्या विस्फोटक दर से बढ़ाते हैं। शैवालों की ये जो दोनों प्रजातियां आप देख रही हैं जो प्रकाशित मंडल में निवास करती हैं, ये प्रजनन द्वारा अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। और चूंकि इनका रंग लाल होता है, इसलिए जब ये अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाते हैं तो सागरी सतह पर देखने में ऐसा लगता है ये चमकीले लाल रंग के होते हैं, काफी चमकते हैं। तो जब इनकी संख्या बढ़ती है तो जैसे लगता है कि सागर सतह पर ज्वार आ गया हो, लाल कलर का ज्वार आ गया हो, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जब संख्या इनकी तेजी से बढ़ती है जैसे लगता है सागर सतह पर लाल ज्वार उठ गया हो, इसे हम रेड टाइड बोलते हैं। इसे सागर सतह पर लाल ज्वार का निर्माण हो जाता है, यानी रेड टाइड का निर्माण हो जाता है। पादप प्लैंकटन में कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया भी शामिल हैं। अगर आपको कथन में दिया जाएगा कि पादप फाइटोप्लैंकटन के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया भी शामिल हैं, तो आप कथन को सत्य मानेंगे। इसके अंतर्गत कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया भी शामिल हैं। अब जो प्लैंकटन देखते हैं, प्लैंकटन के अंतर्गत जो जंतु प्लैंकटन होता है, जो प्राणी प्लैंकटन होता है, उसे हम जू प्लैंकटन बोलते हैं। यानी प्रकाशित मंडल में रहने वाले जो जंतु प्लैंकटन है उन्हें हम जू प्लैंकटन बोलते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं और अवसाद पोषित भी हो सकते हैं। जो शाकाहारी जू प्लैंकटन होता है वो किसे खाएगा? फाइटोप्लैंकटन को खाएगा। शाकाहारी फाइटोप्लैंकटन को खा लेगा, जो मांसाहारी होता है वो शाकाहारी को खा लेगा, और कुछ होते हैं अवसाद पोषित होते हैं, यानी वनस्पतियों और जीवों के जो अवसाद होते हैं केवल उन्हें ही खाते रहते हैं। तो पादप प्लैंकटन का भक्षण शाकाहारी जू प्लैंकटन द्वारा किया जाता है, शाकाहारी जू प्लैंकटन का भक्षण मांसाहारी जंतु प्लैंकटन द्वारा किया जाता है। यानी जंतु प्लैंकटन जो होता है उसमें भी दो तरह के होते हैं, शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। नेक्टन समुदाय, अब हम नेक्टन को देखते हैं। अप्रकाशित मंडल में विभिन्न गहराइयों पर तैरने वाले जीवों की समुदाय को हम नेक्टन कहते हैं। 200 मीटर की गहराई के नीचे अप्रकाशित मंडल में विभिन्न गहराइयों पर तैरने वाले जंतुओं को हम सामूहिक रूप से नेक्टन समुदाय के अंतर्गत रखते हैं, है ना। नेक्टन ये अप्रकाशित मंडल में रहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी जीव हैं अधिकतर रीढ़ वाले होते हैं, है ना, उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है अधिकतर जीवों में। नेक्टन वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग मछलियों का है, यानी जितने भी विविध प्रकार की हम मछलियां देखते हैं वो सभी मछलियां नेक्टन समुदाय के अंतर्गत आती हैं, यानी 200 मीटर की गहराई के नीचे वाले भाग में आती हैं। ज्यादातर इनमें सबसे बड़ा वर्ग मछलियों का है, जैसे हेरिंग, ये कुछ प्रमुख मछलियां हैं, हेरिंग, कार्ड, स्क्विड इत्यादि। इसके अलावा इसमें कुछ स्तनधारी भी शामिल हैं। नेक्टन समुदाय के अंतर्गत मछलियों के अलावा कुछ स्तनधारी जंतु भी शामिल हैं, बड़े आकार वाले। जैसे ये बड़े आकार वाले नेक्टन स्तनधारी कौन से हैं? जैसे सील। सील क्या है? आहार अपना समुद्र में प्राप्त करता है लेकिन प्रजनन स्थल पर जाकर करता है। हमेशा आप देखते होंगे ये तटीय क्षेत्रों में धूप सेकते हुए लेटे रहते हैं, यानी इनको ऑक्सीजन लेने के लिए पानी की जरूरत नहीं, ये बाहर भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। प्रजनन के लिए पानी में जाते हैं और खाने के लिए पानी में जाते हैं और प्रजनन आकर स्थल पर करते हैं। इसके अलावा व्हेल, डॉल्फिन, सी काउ यानी समुद्री गाय, व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री गाय और सील, ये सभी नेक्टन के अंतर्गत पाए जाने वाले स्तनधारी हैं, यानी ये अप्रकाशित मंडल में रहते हैं। क्लियर। बेंथस के बारे में देखते हैं। बेंथस सागर की तली, अभी तक तो हमने देखा 200 मीटर की गहराई प्रकाशित मंडल, 200 मीटर गहरा से नीचे अप्रकाशित मंडल, उसमें रहने वाले जीवों को नेक्टन कहते हैं। समुद्र की तली में, समुद्र की तली पर जो भी जीव रहता है उन्हें बेंथस कहते हैं। लेकिन बेंथस केवल कहां कहां पाए जा सकते हैं? जो समुद्र की तली है वो तो तटीय क्षेत्रों से ही शुरू हो जाती है
है ना, समुद्र की गहराई धीरे धीरे बढ़ती है धीरे धीरे, और खुले समुद्री भाग में इनकी गहराई अधिक हो जाती है। यानी आप जो मेरा इशारा समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम समुद्री भाग में नीचे जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है कि जो सागर की तली होती है वो तटीय भागों में काफी छिछली होती है। सागर की जो तली होती है तटीय भागों में काफी छिछली होती है, इसका मतलब तटीय क्षेत्रों का समुद्र काफी छिछला होता है। तो सागर की तली केवल गहरे समुद्र में नहीं पाई जाती, वो तो तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि सागर की तली 200 मीटर के ऊपर भी हो सकती है और 200 मीटर के नीचे भी हो सकती है। जो तटीय भागों में जो समुद्री तल होता है, समुद्र की तली, वो 200 मीटर के ऊपर होगी, और गहरे समुद्री क्षेत्र में जो समुद्र की तली होगी वो 200 मीटर के नीचे गहरे भागों में होगी। क्लियर? इसका मतलब है कि बेंथस जो तली भागों में पाए जाने वाले प्राणियों और जीवों के समूह को सामूहिक रूप से बेंथस के अंतर्गत रखते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि बेंथस के अंतर्गत पादप भी आएंगे और प्राणी भी आएंगे। नेक्टन में केवल प्राणी आ रहे हैं, उसमें पादप नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्टन 200 मीटर के गहरे भागों में होते हैं, जबकि बेंथस 200 मीटर के ऊपर भी हो सकता है और 200 मीटर के नीचे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र की तली होती है वो छिछली होती है। अगर आप समुद्र में प्रवेश करें तो आप अचानक से डूब नहीं जाएंगे, लेकिन आप कहां खड़े हैं? तली पर खड़े हैं। तो समुद्र की तली जो तटीय क्षेत्रों में है वो 200 मीटर के ऊपर होती है। इसका मतलब है कि प्रकाशित मंडल में है वो। जो तटीय छिछला सागर है उसे वेलांचली कहते हैं। तटों पर जो छिछला सागर होता है जिसकी गहराई कम होती है उसे हम वेलांचली कहते हैं। तो वेलांचली क्षेत्र के तली से लेकर खुले समुद्र की तली पर रहने वाले पादपों और प्राणियों के समूह को बेंथस के अंतर्गत रखते हैं। यह आप यहां पे देख सकते हैं। ये मान लेते हैं 200 मीटर की गहराई है। अब ये वाला जो समुद्री तली है यहां से लेकर यहां तक, ये 200 मीटर की गहराई के ऊपर है। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश यहां पे पहुंच रहा है। 200 मीटर की गहराई के ऊपर है, सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। यानी वेलांचली क्षेत्र की तली है वहां पर वनस्पतियां पाई जाएंगी। लेकिन वेलांचली क्षेत्रों से बाहर की तली में जब हम जाते हैं गहरे समुद्र में, तो खुले सागर की तली में वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी। वहां पर ज्यादातर क्या पाए जाएंगे? जंतु पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 200 मीटर की गहराई के नीचे केवल जंतु होते हैं। आप समझ में आया? तो वेलांचली क्षेत्र की तली से लेकर खुले समुद्र की तली पर रहने वाले पादपों प्राणियों के समूह को बेंथस के अंतर्गत रहते हैं। बेंथस पादपों का विकास कहां होता है? जो बेंथस पादप होते हैं यानी बेंथस वनस्पतियों का विकास वेलांचली क्षेत्र की तली में होता है, जो प्रकाशित मंडल के अंतर्गत आता है। बेंथस पादपों का विकास वेलांचली क्षेत्र की तली में होता है, जो कि प्रकाशित मंडल के अंतर्गत आता है। जैसे ऐसे पादप कौन कौन से हैं? बेंथस पादप जो वेलांचली क्षेत्र की तली में विकसित होते हैं, ऐसे बेंथस पादप हैं सीवीड्स, बड़े शैवाल, टर्टल घास, जोस्टेरा। ये चार हैं, सीवीड्स, बड़े शैवाल, टर्टल घास और जोस्टेरा। इसके अलावा बेंथस वर्ग में कड़े खोल में रहने वाले जंतु अधिक हैं। इनमें जो जीव हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जो कड़े खोल में रहते हैं। बेंथस जीवों में कौन कौन प्रमुख हैं? बेंथस जीवों में बाइबल, स्टारफिश, शार्क, ऑक्टोपस, टैगफिश आदि प्रमुख बेंथस जीव हैं। तो आपने सागरी बायोम का मेरे साथ अच्छे से अध्ययन किया। सागरी बायोम के बाद हम प्रवाल भित्ति बायोम का अध्ययन करेंगे, है ना। इसके बाद जलीय बायोम के जो अन्य महत्वपूर्ण भाग हैं जैसे प्रवाल भित्तियों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, आर्द्र भूमियों का अध्ययन करेंगे, मैंग्रोव वनों का अध्ययन करेंगे, संक्रमिक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही जलीय बायोम खत्म हो जाएगा। जलीय बायोम के बाद फिर हम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।